हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के दिव्य संवाद का। अब तक हम ये जान चुके हैं कि यादव कुल को ब्राह्मणों से श्राप मिल चुका है कि उनका सर्वनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सभी यादवों को द्वारिका छोड़कर प्रभास क्षेत्र जाने का आदेश दे दिया था। इसके उपरांत उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आए। उनके मन में बहुत सारी शंकाएं थी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वे जानते हैं कि अब भगवान का अपनी लीलाएं समाप्त करने का समय भी आ चुका है। अतः ये उद्धव जी की भगवान से अंतिम भेंट थी। भगवान श्री कृष्ण के विरह रूपी घाव पर वे ज्ञान रूपी औषधि लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कई महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं रखी ताकि वे उनके वैकुंठ वापस जाने के पश्चात अपना जीवन इन शिक्षाओं के आधार पर व्यतीत कर सके। ये वार्तालाप लंबा होगा जिसे हम एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि इन दिव्य शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए इस पूरी श्रृंखला का धैर्य पूर्वक श्रवण अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम उद्धव जी को आने वाले विनाश का संकेत दिया और उनसे कहा, हे उद्धव, ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं इस जगत में अवतार लूं, इसलिए मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए इस धरा धाम पर अवतरित होकर दुष्टों का विनाश किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। क्योंकि अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है तो ब्रह्मा जी की इच्छा है कि मैं वैकुंठ वापस लौट जाऊं और इसकी प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। तुम तो जानते ही हो कि यदुवंशियों को ब्राह्मणों से श्राप मिला है, इसके कारण अब वे परस्पर लड़कर अपना सर्वनाश कर लेंगे। और जानते हो, आज से 7वें दिन समुद्र में भयंकर तूफान आएगा और इस द्वारिका नगरी को निगल जाएगा। ये नगरी ऐसे अदृश्य हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे जाने के पश्चात इस पृथ्वी पर पाप पुनः पसरने लगेगा, पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए तुम भी यहाँ अधिक देर तक मत रहना। इस जगत में सब कुछ क्षण भंगुर है, ऐसा समझते हुए तुम अपने आप को मुझ में स्थिर करना। भगवान के श्रीमुख से विनाश का वर्णन सुनने के बाद उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, मैं तो पूर्णतः शारीरिक चेतना में लिप्त हूँ, मैं किस तरह से आपकी शिक्षाओं का पालन कर पाऊंगा? कृपया मुझे अपना दीन सेवक जाने और मुझे यथोचित निर्देश दे। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को महाराज यदु और एक अवधूत ब्राह्मण के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन कह सुनाया। एक बार महाराज यदु की भेंट एक युवा अवधूत ब्राह्मण से हुई थी। वे ब्राह्मण दिखने में जड़ और डरावना लग रहा था, लेकिन महाराज यदु अपने ज्ञान चक्षुओं से समझ गए कि वे ब्राह्मण एक दिव्य स्तर पर स्थित हैं। तब महाराज यदु ने उस अवधूत ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, आप तो एक अबोध बालक के समान प्रतीत होते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार के भोग विलास की कोई इच्छा नहीं है। ये संसार रूपी वन काम क्रोध तथा लोभ की दावाग्नि में झुलस रहा है, परंतु जिस प्रकार एक हाथी अग्नि से बचकर गंगा में खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार आप भी इस संसार से पूर्णतः विरक्त हैं। हे प्रभु, आपका निश्चिंत होकर विचरण कर पाना किस प्रकार संभव हो पा रहा है? आपके परम आनंद का क्या कारण है? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ये प्रश्न सुनने के उपरांत उस अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु के समक्ष 25 गुरुओं का वर्णन किया जिनसे शिक्षा लेकर वे इस अवस्था को प्राप्त कर पाए थे। तो चलिए इन 25 गुरुओं का विश्लेषण करके हम भी उन्हीं शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। प्रथम गुरु है भूमि, जो सहनशीलता की मूर्ति है। जिस प्रकार धरती मनुष्य का शोषण सहते हुए भी उसे सभी सुविधाएं प्रदान करती है, इसी प्रकार एक धीर पुरुष दूसरों द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपने पद से विचलित नहीं होता। जो वायु मेघों को लाकर वर्षा ऋतु का आगमन करती है, वही वायु किसी वन में अग्नि को भड़काकर उसे निगल जाती है। वायु निरंतर बहती रहती है, चाहे उसके पथ में कूड़े के ढेर आए अथवा फूलों के बाग। इसी प्रकार एक भक्त को भी अपने जीवन की परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए एवं अपना मन केवल भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रखना चाहिए। और इस प्रकार वायु से प्राप्त शिक्षा ही हमारा दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु है गगन। वातावरण में हर क्षण कितने परिवर्तन होते रहते हैं, कभी रोशनी, कभी अंधेरा, कभी आंधी तो कभी वर्षा, परंतु आकाश इन सब से कभी प्रभावित नहीं होता। आत्मा भी इसी प्रकार जड़ पदार्थ से अछूती रहती है। अब बात करते हैं चौथे गुरु की। कल्पना कीजिए कि आप किसी नदी के तट पर खड़े हैं और उसके कलकल बहते जल को देख रहे हैं। कितना आनंदमय दृश्य है ये। ठीक उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त का दर्शन भी नेत्रों को सुख प्रदान करता है और भक्तों का संग सदैव हमारे लिए कल्याणकारी होता है।
इसीलिए जल चौथा गुरु है। पांचवा गुरु है अग्नि। बहुत सारे संत महापुरुष प्रचंड तपस्या करके कई योग शक्तियां प्राप्त करते हैं, जो कि सूखी काष्ट में अग्नि के समान होती है, इसलिए उनका अपमान करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भले ही समाज में बहुत साधारण से प्रतीत होते हों, लेकिन समय आने पर वे जगत गुरु का पद भी संभाल सकते हैं। छठा गुरु है चंद्रमा, जो कि अपना आकार बदलते हुए भी सदा एक सा बना रहता है। इस प्रकार आत्मा भी इस जड़ शरीर के परिवर्तन से अविचलित बनी रहती है। सातवां गुरु है सूर्य। यदि अनगिनत पात्रों में जल भरकर सूर्य की रोशनी में रख दिया जाए तो आपको उनके अंदर क्या दिखाई देगा? जी हाँ, सूर्य का प्रतिबिंब। लेकिन सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार परम सत्य भी एक है, लेकिन उसके विस्तार अनेक हैं। आठवां गुरु है अजगर। एक अजगर कभी भी अपने भोजन की व्यवस्था नहीं करता, अपितु जो भी दैवीय शक्ति से प्राप्त हो जाता है वो उसी में संतोष लेता है। एक साधु पुरुष भी केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही प्रयास करता है और जीवन की सभी परिस्थितियों में उदासीन बना रहता है। नौवां गुरु है महासागर। एक भक्त को महासागर की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार सागर में कितनी भी नदियां अपना जल उड़ेल दें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार जीवन के दुख सुख में भक्त के भगवान के प्रति प्रेम में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दसवां गुरु है पतंगा। एक पतंगा अग्नि की नाचती हुई लपटों से आकर्षित होकर उसी में भस्म हो जाता है। एक भंवरा पुष्प की सुगंध लेने के लिए उसकी पंखुड़ी में प्रवेश करता है, परंतु उसी में कैद हो जाता है। एक मछली कांटे में लगे कीड़े को खाने के लिए उसकी ओर आती है और मछुआरे के जाल में फंस जाती है। एक हाथिनी का संग करने के झांसे में आकर बलवान हाथी अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। मधुर संगीत के बहकावे में आकर एक हिरण शिकारी के हाथों अपने प्राण गवा बैठता है। ये पांच उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार हमारी पांच इंद्रियां हमारे पतन का कारण बनती है। ग्यारहवां गुरु है हाथी। एक साधु को चाहिए कि वो एक लकड़ी की गुड़िया तक का स्पर्श ना करे। एक हाथी जिस प्रकार हथिनी के आकर्षण में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार एक साधक भी स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर पथभ्रष्ट हो सकता है। हिरण बारहवां गुरु है। आंखें टक के मधुर संगीत को सुनकर हिरण सहज ही पकड़ा जाता है, इसलिए एक साधक को सांसारिक गीत संगीत और नाच गान से दूर रहना चाहिए। तेरहवां गुरु है मछली, जो कि मछुआरे द्वारा डाले गए खाने के टुकड़े से आकर्षित होकर उसके जाल में फंस जाती है, इसलिए एक साधक को अवश्य ही अपनी जीभ को पूरी तरह विराम देना चाहिए। चौदहवां गुरु है शहर का चोर। एक गृहस्थ के लिए उस पर आश्रित ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की देखरेख करना आवश्यक है। जिस धन को वो इतने परिश्रम से अर्जित करता है वो उसे दान में देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक चोर आकर मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए शहद को ले जाता है। मधुमक्खियां सहस्त्र मील की दूरी तय करके पुष्पों से पराग इकट्ठा करके अपने छत्ते में उसका संग्रह करती है और शहद का उत्पादन करती है। एक साधु को शास्त्रों का अध्ययन इस प्रकार से करना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूलों से सारे पराग को चूस लेती है। साथ साथ एक साधु को कभी भी भौतिक संसाधनों का संग्रह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने उदर में भी केवल उतना ही भोजन डालना चाहिए जितना आवश्यक हो। इसलिए मधुमक्खियां पंद्रहवां गुरु है। शिशु सोलहवां गुरु है। शिशु सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। उसे अपने मान सम्मान अथवा परिवार की कोई सुध-बुध नहीं होती। एक बालक की भांति साधु को भी भौतिक उपलब्धियों में कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार उस अवधूत ब्राह्मण ने ऐसी अनेकों वस्तुओं का वर्णन किया जिससे उसने शिक्षा प्राप्त की थी। इनका वर्णन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आप ये समझ ही गए होंगे कि ये सब वस्तुएं हमारे आसपास ही हैं। आवश्यकता है केवल इन्हें ज्ञान के चक्षुओं से परखने की, अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करने की। और हम आपसे मिलेंगे इन्हीं अमृत तुल्य कथाओं के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।